हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम कुमार अरुण बेदिया है। मैं मूलतः सिल्ली रांची का रहने वाला हूँ। इस बार की 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में मेरा चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा के रूप में हुआ है। मैंने अपनी स्नातक की डिग्री बीआईटी मिश्रा से केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में पूरी की है। मेरा जो माध्यम है वो हिंदी माध्यम रहा है और रीजनल लैंग्वेज के रूप में मैंने पंचपरगनिया भाषा का चयन किया था। आज डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम के छात्रों को होने वाली कुछ समस्याओं का या फिर क्या उनके क्या लाभ हो सकते हैं या फिर कहाँ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है के बारे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जेपीएससी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित होती है। पहला चरण जिसे हम प्रिलिमिनरी स्टेज के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं और तीसरा जो कि एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। प्रिलिम्स परीक्षा के दौरान पूरे जो पेपर होता है वो पूरे पेपर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पेपर जो कि जीएस और दूसरा पेपर जिसे झारखंड स्पेसिफिक या झारखंड जीएस के रूप में जाना जा सकता है। जीएस में मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही थी कि मैं एनसीईआरटी के बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करूँ और जितने भी सब्जेक्ट्स थे जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी के बुक्स के साथ साथ कुछ साइड बुक्स का भी सहारा लिया था। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मैंने 11 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट की थी, साथ में मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक को ही फॉलो किया था। हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट और मिडाइवल के लिए तो मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया, लेकिन मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की एक बुक फॉलो की थी और कम्प्लीटली एक थोरोली रिविजन के साथ फिर मैंने एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था इसकी पूरी तैयारी करने के बाद। एंशियंट और मिडाइवल के लिए मैंने अलग से कोई साइड बुक नहीं पढ़ी थी, मैं प्रॉपरली एनसीईआरटी का जो बुक था एनसीईआरटी का जो बुक थे मैं उस पर ही प्रॉपरली डिपेंडेंट था। फिर अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी, साथ में एनसीईआरटी के 11th और 12th के बुक्स पढ़े थे और कुछ कोचिंग मटेरियल्स और यूट्यूब वीडियोज़ का सहारा लिया था। जियोग्राफी में मैंने 11th 12th की जियोग्राफी की एनसीईआरटी और डीआर पुल्लर की बुक के लिए इंडियन जियोग्राफी और जो वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ सेक्शंस रहते हैं उसके लिए सविंदर सिंह के बुक्स और माजिद हुसैन के बुक्स का भी सहारा लिया था। हालांकि 11 ट्वेल्थ के बुक्स और डीआर कुलर की बुक इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर जियोग्राफी। ये सारे बुक्स कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल रहते हैं, तो जो भी छात्र हिंदी माध्यम में भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर बात करें पेपर 2 जीएस की, जिससे झारखंड स्पेसिफिक होता है, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी एक बुक कर लें, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, एक थोरोली रिवाइज कर लें और सिलेबस के साथ चलें, क्योंकि जेपीएससी के सिलेबस में ये डिफाइंड होता है कि वो किस सेक्शन से कितने सवाल पूछेंगे। तो आप उस तरीके से किसी भी एक बुक को साथ में जो भी रिसेंट आइटम्स या मटेरियल्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, वैल्यू एडेड मटेरियल जिन्हें आप कह सकते हैं, उनको आप ऐड करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भी सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी में अवेलेबल है मार्केट में, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंतिम दिनों में अगर 20 से 25 दिनों की बात करें प्रीलिम्स से पहले, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, क्योंकि मॉक लगाने से कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस में कमी आती है और आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं और गलतियों को पहचान पाने के कारण जब आप एक रियल सिनारियो में एग्जाम में बैठेंगे, रियल टाइम पे एग्जाम पे बैठेंगे, तो ऐसा संभव है कि आप उस तरीके की गलती ना करें और नर्वसनेस पे जो है कंट्रोल कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में भी जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर मेरी प्रीलिम्स की रणनीति थी। प्रीलिम्स के बाद अगले कुछ समय के बाद जब मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में चूंकि मेरा रीजनल लैंग्वेज पंचपरगनिया मैंने रखा था, तो पंचपरगनिया के लिए मैंने तैयारी की, कुछ बेसिक्स बुक्स फॉलो किए और एक प्रॉपर नोट्स के साथ मैंने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी की। तो चूंकि रीजनल लैंग्वेज में सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो पंचपरगनिया का सिलेबस चूंकि छोटा था तो शायद मुझे तैयारी करने में थोड़ा कम समय लगा और मैं अपने लेखन शैली का बहुत ज़्यादा विकास कर पाया था इस दौरान।
बात करें पेपर थ्री जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पोर्शन में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस दो प्रश्न का जो है आप आंसर लिखेंगे। तो मुझे कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने सारे सेक्शन किए हुए थे अच्छे से, तो मुझे पता था कि अगर ज्योग्राफी के अगर हिस्ट्री के कुछ सेक्शन आते तो मुझे किस सेक्शन को कवर करना है, ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन आएंगे तो मुझे किन सेक्शन को कवर करना है। एनसीईआरटीज के बुक्स इसके लिए मेरे इस तैयारी के दौरान बड़े ही फायदेमंद साबित हुए, और चूंकि ये हिंदी में भी अवेलेबल थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बात करते हैं पेपर टू के, तो पेपर टू में पॉलिटी, पबैट, गुड गवर्नेंस, ये एक बेसिक पार्ट है। इसके दो सेक्शन है, एक पॉलिटी और गुड गवर्नेंस एंड पबैट। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत की बुक मोर देन सफिशियंट है, प्लस एनसीईआरटीज के जो आपके नॉलेज है वो आपको वर्क करेगी। और जो गुड गवर्नेंस एंड पबैट वाले सेक्शन है, इसके लिए मैंने एनआईओएस के जो कुछ मटेरियल्स थे उनको फॉलो किया था क्योंकि वो प्रॉपरली हिंदी में अवेलेबल होते थे, और चूंकि हिंदी में अवेलेबल होते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा इस सेक्शन में भी दिक्कत नहीं हुआ। फिर आगे जब मैंने इकोनॉमिक्स की तैयारी स्टार्ट की, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मेरे साथ भी हुआ क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें इंटरनेट के साथ साथ आपको कोचिंग मटेरियल्स का भी हेल्प लेना पड़ता है, कुछ बुक्स का आपको हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स इकोनॉमिक्स के लिए हिंदी माध्यम के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया, कुछ बुक्स पढ़े जैसे रमेश सिंह वगैरह के बुक पढ़े थे मैंने, कुछ एनसीईआरटी के बुक्स को मैंने फॉलो किया। मैंने रमेश सिंह की बुक पूरी नहीं पढ़ी थी, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, इसी तरीके से मैंने कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी के भी कवर किए थे। एनसीईआरटी के मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी बल्कि कुछ टॉपिक्स कवर किए एज पर द सिलेबस ऑफ जीपीएससी। और इंटरनेट से मैंने जितने भी डाटा और जो भी करंट इवेंट्स थे उनको मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया था। फिर बात करते हैं जो हमारा अगला पेपर होता है जो कि बेसिकली साइंस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन ये सब का पेपर होता है। इसमें से जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, इस साइंस एंड टेक के पोर्शन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है हिंदी माध्यम के छात्रों को। तो इसके लिए मैंने पहले से एक नोट तैयार करके रखा हुआ था जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक का सहारा लिया था जो कि जेपीएससी के अनुरूप होती थी, और मैंने एक मोटा मोटी इस तरीके का नोट्स बना लिया था क्लास 9 10 के एनसीईआरटी के बुक्स को ध्यान में रखते हुए भी कि जब मैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हूँ तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जब आप इस तरीके का नोट्स बनाते हैं और साइंस एंड टेक चूँकि डायरेक्टली हिंदी में कुछ कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब्स की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी मटेरियल्स जो कि रिसेंटली मार्केट्स में आए हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के जो हिंदी में अवेलेबल है, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि आप उसे अपने शब्दों में जितना बेहतर लिख पाएँ उतना अच्छा होगा। ये मेरी एक मुख्य परीक्षा की रणनीति थी। और इसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में बेसिकली मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कि शायद किसी भी तरीके अगर कुछ ऐसे सवाल होते हैं अगर मुझे जवाब देना है तो मैं उसे हैंडल किस तरीके से करूं। इसके लिए जो मॉक टेस्ट थे वो मेरे लिए बड़े मददगार साबित हुए, वहाँ से जो फीडबैक्स थे वो मेरे लिए बड़े मददगार साबित हुए। हेलो फ्रेंड्स, UPSC mains में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेन्स के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। इंटरव्यू के लिए आप मीडियम हिंदी या इंग्लिश दोनों रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। और जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो मॉक इंटरव्यू के जो भी फीडबैक्स हैं आप काइंडली उनको अच्छे से नोटिस करें कि क्या फीडबैक दिया जा रहा है, कहाँ कुछ कमी रह जा रही है आपके बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके नर्वसनेस से लेके। आप अगर उन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। और इंटरव्यू में अगर आपको ऐसा संभव है कि बहुत सारी चीज़ों का सवालों के जवाब अगर आपको पता नहीं हो तो आप केवल नो बोल के या सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये मेरी एक संपूर्ण रणनीति रही। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती ही है हिंदी माध्यम के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इनको ओवरकम किया जा सकता है अगर सही तरीके से मटेरियल्स और बुक्स का चयन किया जाए तो। तो मुझे लगता है कि मेरी रणनीति जो थी वो सफल रही और मैं आपका मार्गदर्शन करने में भी सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।